हेलो गाइस, टोटल प्रेशर पर आज एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल की लैंग्वेज है वाटर लेवल एबव द टॉप ऑफ स्लूस गेट हैविंग विड्थ 2 मीटर एंड डेप्थ 2.5 मीटर इज 6 मीटर ऑन अप स्ट्रीम साइड एंड 1.5 मीटर ऑन डाउन स्ट्रीम साइड। फाइंड द टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन द गेट। इस न्यूमेरिकल के डाटा के अनुसार ये फिगर बना हुआ है। दिस इज ए वाल, रिटेनिंग वाल और सिंपली वाल, जिसके में बॉटम में एक स्लूस गेट लगा हुआ है। पहले हम स्लूस गेट क्या है ये बता देना जरूरी समझ रहा हूँ। जैसे पानी को रोकने के लिए नहर के क्रॉस में कोई दीवार बनाई गई हो, बांध बनाया गया हो बैराज में या किसी भी, तो वहाँ जो भी दीवार खड़ी की जाती है उस दीवार के बॉटम साइड में पानी को निकालने के लिए कुछ सर्कुलर या रेक्टेंगुलर शेप में होल कर दिए जाते हैं, यानी ओपनिंग छोड़ दी जाती हैं। इनमें गेट लगा दिए जाते हैं, जरूरत पड़ने पर गेट खोल करके पानी को बाहर यानी डाउन स्ट्रीम साइड में निकाल देते हैं। जैसे ये दीवाल है, इस दीवाल में अप स्ट्रीम साइड में पानी गेट के ऊपर से, गेट के ऊपर 6 मीटर हाइट तक है और डाउन स्ट्रीम साइड में पानी, अप स्ट्रीम साइड ये है, डाउन स्ट्रीम साइड ये है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम साइड में वाटर लेवल जो है गेट के ऊपरी सिरे से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है, 1.5 मीटर पर। तो इसमें अपस्ट्रीम साइड में यहाँ से यहाँ तक पानी भरा है, इसमें यहाँ से यहाँ तक नेचुरल है पानी, ऊपर लेवल से बॉटम लेवल में कम जिधर है उसी तरफ को बहेगा। तो ये पानी निकलने के लिए एक ओपनिंग बनी हुई है, ये ओपनिंग यहाँ दीवार में है। इस गेट का आकार क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2 मीटर इसकी विड्थ है और 2.5 मीटर इसकी डेप्थ है। तो यहाँ अलग से इसका आकार दर्शा देते हैं कि यह स्लूस गेट का आकार है। अब इस क्वेश्चन में हमको रिजल्टेंट प्रेशर यानी टोटल प्रेशर, परिणामी रिजल्टेंट, उसका मान निकालना है और वो किस जगह पर कार्य कर रहा है ये उसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब जरा देखें, यहाँ पर एक्चुअली गेट यहाँ पर है, ये वर्टिकल पोजीशन में खड़ा हुआ है। वर्टिकल पोजीशन में जो भी लेमिना डूबा हुआ होता है उसके टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर के फार्मूले हम ड्राइव कर चुके हैं पिछले वीडियो में, वो आपको मालूम है। लेकिन यहाँ पर इस गेट के इस तरफ भी पानी भरा है और इस तरफ भी पानी भरा हुआ, तो जो अपस्ट्रीम साइड में पानी है इसके कारण इधर से टोटल प्रेशर कार्य करेगा और वो कितनी गहराई पर कार्य करेगा, इन दोनों की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम अपस्ट्रीम साइड की गणना करते हैं। अपस्ट्रीम साइड में हमको पहले जिस वस्तु पर टोटल प्रेशर की गणना करनी है उसका एरिया निकालना होगा। तो गेट पर पूछा गया है, प्रश्न में ये पूछा गया है गेट पर परिणामी दाब कितना लगेगा, तो केवल हम गेट का ही क्रॉस सेक्शन एरिया कंसीडर करेंगे। तो गेट का एरिया है 2 मीटर बाई 2.5 मीटर, तो 2 बाई 2.5 मीटर, ये 5 मीटर स्क्वायर हो गया। इस तरह से गेट का एरिया निकाल लिया। अब गेट के गुरुत्व केंद्र की पानी के स्वतंत्र तल से गहराई ज्ञात कर ले, तो पानी के स्वतंत्र तल से गेट के ऊपरी सिरे तक 6 मीटर दे रखा है और गेट के ऊपरी सिरे से गेट के सेंटर तक जो दूरी है वो इसकी हाइट का आधी होगी। तो ये हो गया हमारा 6 मीटर प्लस 2.5 बाई 2, इसकी हाइट 2.5 है, इसका हाफ जो है इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये गुरुत्व केंद्र की दूरी यानी x1 बार जो है यहाँ से निकल आएगा। अब हमने एरिया निकाल लिया गेट का, x1 बार इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मान निकाल लिया। इसके बाद आईजी की गणना और कर लें। आईजी की जरूरत हमको सेंटर ऑफ प्रेशर वाले फार्मूले में पड़ती है, तो आईजी का मान यहाँ पर देखिए, ये हमारा पटल है, इसकी चौड़ाई 2 मीटर है, गहराई इसकी 2.5 मीटर है, तो इसमें किस अक्ष पर इसका जड़त्व आघूर्ण लिया जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखें क्योंकि इसमें भ्रम पैदा होता है कि हम वाई एक्स पर के अबाउट मोमेंट लें, जड़त्व आघूर्ण निकालें, या
एक्स अक्ष के अबाउट निकाले। तो इसमें चूंकि सेंटर ऑफ प्रेशर या का की वैल्यू ऊपर से नीचे की ओर खिसक सकती है, प्रेशर यहां लग रहा है तो इसके मूव करने की दिशा क्या होती है, गेट पर जो बल लगेगा इसके कारण ये इधर मोड़ना चाहेगा तो ये मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए इसी अक्ष पर क्षैतिज अक्ष के अबाउट ही इसका जड़त्व आघूर्ण लिया जाएगा। तो बी इंटू डी क्यूब बाई 12 रेक्टेंगुलर लेमना का जो फार्मूला होता है बी डी क्यूब बाई 12 इसी से हम निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 2×2.5 का क्यूब बाई 12, ये वैल्यू आ गई। जब हमने ये तीनों चीजें निकाल ली तो सीधे सीधे P1 यानी टोटल प्रेशर P1 का मान रो जी ए एक्स 1 bar से निकाल लिया, ये इतना आ गया 25/56 12.5, और एच बार का फार्मूला लगा करके IG/AX bar + H bar, पद वही है जो ऊपर हमने वैल्यू निकाली, एक्स बार भी निकाल चुके हैं, ए भी निकाल चुके हैं, IG भी निकाल चुके हैं, केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व करना है। ये H1 bar का भी मान आ गया, यानी हमने ये P1 परिणामी यहाँ कार्य कर रहा है और इसके फ्री सरफेस से इसकी गहराई ये है। ठीक इसी तरीके से अब जब हमने ये निकाल लिया, इसके साथ हम ये और चीज निकाल लेते हैं कि गेट के बॉटम से ये दूरी कितनी है, यानी P1 जो है गेट के बॉटम से कितनी ऊंचाई पर है। सपोज ये Y1 है, अगर ये Y1 है तो Y1 की गणना कर ली हमने, हमको H1 bar मालूम है, टोटल हाइट तो मालूम है ही हमको क्योंकि ये 6 meter है और ये 2.5 meter है, तो ये हो गया 6 + 2.5, इसमें से यही H1 bar ये माइनस कर देंगे तो ये हमारा Y1 bar यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ज्ञात हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से डाउन स्ट्रीम साइड में भी हम गणना करते हैं बिल्कुल सेम प्रोसीजर से। अब इसमें क्या होगा, X1 bar वहाँ निकाला था तो इसमें X2 bar निकाल लीजिए। X2 bar क्या है, गेट के ऊपर पानी की ऊंचाई 1.5 meter और गेट के ऊपर ही से गेट के सेंटर तक की दूरी 2.5 का हाफ, तो ये हो गया 1.5 + 2.5 का हाफ किया हमने तो 2.75 meter आ गया। तो X2 bar ये आ गया। ए हमारा जो ऊपर हम निकाल चुके वही रहेगा क्योंकि ए पूरा गेट का ही एरिया है और IG इसी गेट का ही हमने IG निकालना है, तो इनकी वैल्यू यही ऊपर वाली यूज की जाएंगी। बस अब हमको ये तीनों मान जब ज्ञात हैं तो क्रमशः इसके डाउनस्ट्रीम साइड से लगने वाला प्रेशर P2 इसकी गणना कर लेते हैं। रोजी ए X2 bar ये वैल्यू आ गई। इसी तरह से H2 bar सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए ये फार्मूला है, केवल X1 bar की जगह X2 bar आ गया यहाँ पर और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमने ये वैल्यू निकाल ली। जब ये हमको दोनों वैल्यूज ज्ञात होगी इसके बाद इस तरफ भी मान लीजिए ये P2 हमारा यहाँ पर है तो P2 की बॉटम से दूरी कितनी बची वो हम उसी तरीके से निकाल लेते हैं। हमको यहाँ से ये टोटल मालूम है कैसे, 1.5 meter ये है और यहाँ से यहाँ तक 2.5 meter है, तो ये हो गया यहाँ पर Y2 = 1.5 meter + 2.5 meter माइनस ये H2 bar, इसको घटा देंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात हो जाएगी। अब जब ये दोनों हमने ज्ञात कर लिए तो हमको अब हमारे पास अपस्ट्रीम साइड में टोटल प्रेशर की वैल्यू P1 है, डाउनस्ट्रीम साइड में टोटल प्रेशर P2 इधर काम कर रहा है। अब देखिए दो विपरीत दिशाओं में बल हैं, ये P1 इधर से कार्य कर रहा है और P2 इधर से, तो इन दोनों का परिणामी कितना हो जाएगा, P = P1 - P2, यानी जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला माइनस हो जाएगा। तो नेचुरल है कि पानी की हाइट इस साइड अपस्ट्रीम में ज़्यादा है इसलिए P1 का मान ज़्यादा निकल के आएगा, तो P1 - P2 ये हो गया। इस तरह से अब ये P की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी तो ये रिजल्टेंट टोटल प्रेशर की वैल्यू ये हम निकाल लेते हैं P की मान। अब इसका बाद सेंटर ऑफ प्रेशर इसका ज्ञात करना है कि ये P1 - P2 जो परिणामी है वो कार्य कहाँ कर रहा है। मान लीजिए ये P इधर कार्य कर रहा है क्योंकि ये बड़े बल की ही दिशा में कार्य करेगा, तो P मान लीजिए यहाँ पर है। अब जब P यहाँ पर है तो हम सिंपल टेक ए मोमेंट अबाउट द बॉटम ऑफ द स्लूज,
स्लूस गेट के बॉटम से इन दोनों बलों का आघूर्ण ले लें जो हमारे P1 और P2 कार्य कर रहे हैं। इनके आघूर्णों का बीजगणितीय योग परिणामी बल के आघूर्ण के बराबर होगा। तो P1 इंटू Y1 सिंपल हो गया, P1 इंटू Y1 माइनस P2 इंटू Y2 ये बराबर किसका होगा, परिणामी का आघूर्ण, परिणामी P इंटू H। तो P इंटू इसको H मान लिया हमने, बस यहां से P1 मालूम है, Y1 मालूम है, Y2 मालूम है, P2 मालूम है और टोटल प्रेशर P हमने यहां से निकाल लिया। इस तरह से केवल H अननोन है, H की गणना हो गई, ये आया 1.249, देखिए अप्रोक्सीमेटली 1.25 मीटर आया। जरा देखें ध्यान से, ये 2.5 मीटर तो टोटल डेप्थ है इसकी और टोटल प्रेशर आया कितनी दूरी पर, 1.25 यानी इसके ठीक मिडिल में। तो यहाँ देखिए कि इस केस में स्लूस में इसका रिजल्टेंट प्रेशर हमेशा गेट के मिडिल में ही कार्य करता है जब दोनों तरफ पानी का लेवल गेट के ऊपर लेवल पर हो, यानी गेट का ऊपरी लेवल ये है, इस तरफ भी पानी इससे ज़्यादा हो और इधर भी पानी इसके ऊपर ही हो। तो ऐसी अवस्था में गेट का रिजल्टेंट प्रेशर हमेशा गेट के सेंटर पर कार्य करता है। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल हो गया। इसके बाद टोटल प्रेशर डायग्राम का कंसेप्ट, इसमें देखें कि जैसे कोई दीवाल है, इसके एक तरफ एच हाइट तक पानी भरा हुआ है तो दीवाल पर प्रेशर एच गहराई पर दाब, यह हम पहले ही निकाल चुके हैं, रो जी एच होता है या डब्ल्यू एक्स, तो रो जी एच ये हमारा प्रेशर हो गया, ये तली पर उत्पन्न होगा। ऊपर जैसे बढ़ते जाएंगे प्रेशर जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर जीरो प्रेशर है, यहाँ रो जी एच प्रेशर है, हमने रो जी एच के बराबर दूरी पर एक पॉइंट ये ले लिया और यहाँ जीरो पॉइंट ले लिया, इन दोनों को मिला दिया। तो इस तरह से ये जो डायग्राम बना है हमारा एक ट्रेंगल के शेप में, यही प्रेशर डायग्राम कहलाता है। यानी हम ये अगर पूछना जानना चाहें कि ये इतनी गहराई पर दाब कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक नाप लीजिए तो इसके बराबर दाब होगा, यहाँ पर दाब कितना होगा जितना यहाँ पर रीडिंग आएगी, ये मेजरमेंट आएगा। तो ये स्केल के द्वारा हम प्रेशर की गणना कर सकते हैं, इसी को हम दाब आरेख या प्रेशर डायग्राम बोलते हैं। अब जरा देखिए प्रेशर डायग्राम का फार्मूला, हम पहले से जानते हैं कि टोटल प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, रो जी ए एक्स बार, इसको हम रो जी ए इंटू एच बाई टू, एक्स बार का मान जरा देखें, ये जो एरिया दीवार है, इस दीवार का जो एरिया भीगा हुआ है, मान लीजिए दीवार का एक मीटर लंबाई पर हम को कंसीडर कर रहे हैं, तो एक मीटर लंबी दीवार और एच ऊंची दीवार का जो क्षेत्रफल आएगा वो कैसा आएगा, एक मीटर लंबी दीवार और एच ऊंचाई की ये वाल, तो ये दीवार का एरिया इस तरह का आएगा और इसका सेंटर कहाँ होना चाहिए, बीचों बीच होना चाहिए, तो इसका सेंटर बीचों बीच होगा, इसलिए एक्स बार की वैल्यू कितनी होगी, एच बाई टू होगी, ये जो है एच बाई टू इधर से भी होगी और इधर से, तो हमको तो फ्री सरफेस से चाहिए होती दूरी, तो फ्री सरफेस से इसकी गहराई कितनी है, एच बाई टू, यानी एक्स बार बराबर एच बाई टू हो गया। तो हमने एक्स बार की जगह एच बाई टू लिख लिया। अब इसको हमने रो जी, इधर एरिया देखो, इसका एरिया कितना है, वन इंटू एच, तो एरिया के जगह पर भी हमने वन इंटू एच रख लिया, तो एरिया की जगह वन इंटू एच और एक्स बार की जगह एच बाई टू। अब फार्मूले में देखिए रो जी इंटू एच, इसको एक साथ रखिए, इंटू एच यहाँ पर रखिए बाई टू यहाँ लाइए और इंटू वन, ये वन जो था इसको यहाँ ले आई, क्योंकि एक मीटर चौड़ाई है इसलिए यहाँ वन लिखना आवश्यक है। अब जरा देखिए ये पद हमारा हो क्या गया, रोजी एच इंटू एच बटे दो, यानी रोजी एच इंटू एच बटे दो अर्थात आधार गुणे लंब बटा दो। तो ये हो गया इस ट्रायंगल का एरिया, यानी प्रेशर डायग्राम का एरिया, इसलिए ये पद जो है रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम, और ये पद रिप्रेजेंट कर रहा है विड्थ ऑफ सरफेस, जिसको कि कंसीडर किया गया है उसकी केवल विड्थ, यहां पर केवल विड्थ लेनी है, एरिया नहीं लेना, मल्टीप्लाइड बाई विड्थ ऑफ सरफेस। तो प्रेशर डायग्राम
प्रेशर, टोटल प्रेशर के लिए जो फार्मूला प्रेशर इसमें यहाँ यूज किया जाएगा प्रेशर डायग्राम की मदद से, वो लिया जाएगा एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम। इसका एरिया निकालें और जिस फलक पर हम प्रेशर, टोटल प्रेशर की गणना करना चाह रहे हैं उसकी चौड़ाई का गुणा कर दें। तो इस तरीके से टोटल प्रेशर, बस इसमें प्रेशर डायग्राम में यही कंसेप्ट ऐड होता है। और इसका सेंटर प्रेशर कहाँ होता है, इसका सेंटर प्रेशर हमेशा प्रेशर डायग्राम का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जैसे ये प्रेशर, ये मान लीजिए प्रेशर डायग्राम है, ट्रायंगुलर शेप में है, इसका सीजी कहाँ पर होता है, नीचे से 1/3 हाइट पर, ऊपर से 2/3 हाइट पर, क्योंकि 2:1 के अनुपात में डिवाइड करते हैं। तो ये h/3 पर होगा ये बॉटम से, और ऊपर से 2h/3 पर। तो ये हमारा यहीं पर, यही हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए फार्मूला है, इट इज एट द सेंटर ऑफ प्रेशर डायग्राम। हमेशा प्रेशर डायग्राम का केंद्र निकाल लो, वही, इसमें गणना करने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल फिगर में हम देखते हैं कि किस तरह का है, तो उसी का सेंटर की गणना कर लेते हैं या सेंटर ज्ञात कर लेते हैं, उसी जगह इसका सेंटर ऑफ प्रेशर होता है। इसके बाद अभी जो हमने क्वेश्चन पीछे सॉल्व किया था उसी को प्रेशर डायग्राम की मदद से अगर हम हल करना चाहें, देखिए सेम क्वेश्चन है, ये 6 मीटर हाइट है, ये 1.5 मीटर है, ये स्लूस गेट है 2 मीटर बाई 2.5 मीटर। हमने यहाँ पर प्रेशर डायग्राम बना लिया, ये 6 मीटर हाइट है, फ्री सरफेस पर 0 प्रेशर होगा और बॉटम पर प्रेशर मान लो P1 है। तो P1 की हमने गणना कर ली, P1 बराबर क्या होगा, रो जी H1, ये यहाँ से यहाँ तक जो टोटल हाइट है, ये H1 अगर मान लें हम टोटल हाइट, तो रो जी H1, अब देखो रो 1000, जी 9.81 और H1 कितना हो जाएगा, 6 + 2.5, इस 6 में ये 2.5 और जुड़ जाएगा, तो ये टोटल हाइट ज्ञात हो जाएगी। इस तरीके से ये 6 + 2.5 से हमारा H1 ज्ञात हो गया, हमने P1 की गणना कर ली, ये आगे P2 का मान इसी तरह से रोजी H2 हो जाएगा, ये यहाँ फ्री सरफेस से ये इसका प्रेशर डायग्राम खींच लें, जब इसका प्रेशर डायग्राम खींचते हैं तो फिर ये प्रेशर जो है बॉटम पे, ये P2 है, P2 का मान इसमें H2, ये वाली हाइट रखनी पड़ेगी, तो इस हाइट को बाकी वही है 1000, रो का मान, जी का मान 9.81 और H2 की वैल्यू 1.5 + 2.5, यानी 1.5 ये और 2.5 ये। तो इस तरीके से P1 P2 दोनों ज्ञात हो गए। अब इसके बाद देखिए P1 बड़ा है, P2 छोटा है, इन दोनों का रिजल्टेंट प्रेशर कितना होगा, भाई ये दाब इधर से इधर को लगेगा दीवार पर, ये दाब इधर से इधर को, ये दाब सारे इधर को लगेंगे, ये दाब सारे इधर को लगेंगे, तो रिजल्टेंट प्रेशर कितना हो जाएगा, इसमें से घटा दीजिए P1 - P2, ये घटाने से हमारा 44,145 ये आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये प्रेशर आ गया। अब जरा हम इस प्रेशर डायग्राम को जरा देखते हैं, ये प्रेशर डायग्राम एक ट्रायंगल के शेप में है, ये प्रेशर डायग्राम एक ट्रायंगल के शेप में है, यहाँ हमने क्या किया था, P1 में से P2 को घटा दिया था, जब हमने इसमें से ये घटा दिया तो ये P1 में से ये दूरी घटा दी, और ये दूरी हम यहाँ से घटा लें, इधर से काट लें, अगर इधर से काट लेते हैं और यहाँ से लंब खींच देते हैं तो ये जो एरिया है ये ठीक इसी के एरिया के बराबर प्राप्त हो जाता है, यही बिल्कुल सेम आकृति है, समरूप त्रिभुज बन गए। तो इतना इस पूरे एरिया में से अगर हम ये एरिया निकाल दें तो रिजल्टेंट प्रेशर हमारा ये बच जाएगा, तो रिजल्टेंट प्रेशर टोटल इधर से ये दाब कार्य कर रहा है। अब जरा गेट, हमें तो केवल गेट को कंसीडर करना है, पूरी दीवार पर टोटल प्रेशर की गणना नहीं करनी है, केवल स्लूस गेट पर। तो जो स्लूस गेट पर हमको गणना करनी है, तो हम स्लूस गेट के पोर्शन में देखते हैं कि ये यहाँ पर घटाने से ये कितना परिणामी दाब बचा, इतना बचा केवल डिफरेंस, P1 में से ये P2 घट गया तो ये बचा, यहाँ पर भी उतना ही बचा। तो इस तरह से गेट के ऊपर दाब तीव्रता, रिजल्टेंट प्रेशर समान मात्रा में प्राप्त होता है, जितना दाब यहाँ कार्य कर रहा है उतना ही दाब यहाँ कार्य कर रहा है, उतना ही दाब यहाँ कार्य कर रहा है, उतना ही दाब यहाँ कार्य कर रहा है, तो ये समान दाब हो गया। टोटल प्रेशर की गणना कैसे की जाएगी, एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम मल्टीप्लाइड बाई विड्थ ऑफ सरफेस, अभी हमने बताया था। तो एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम, प्रेशर डायग्राम ये है,
इसका एरिया निकाल लो, स्मॉल पी इंटू हाइट, आयत है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में दोनों भुजाओं का मल्टीपल हो जाएगा, तो सीधे सीधे पी इंटू ये हाइट, हाइट कितनी 2.5, तो पी इंटू 2.5 इंटू 2 विड्थ ऑफ सरफेस, गेट की चौड़ाई कितनी है 2 मीटर, गेट की चौड़ाई 2 मीटर है, इसलिए यहां पर बी का मान जो विड्थ ऑफ जो सरफेस लिया गया है वो 2 मीटर लिया गया। बस ये टोटल प्रेशर यहां से ज्ञात हो गया, देखिए वही वैल्यू प्राप्त हुई जो कि पिछले न्यूमेरिकल में प्राप्त हुई थी। और सेंटर ऑफ प्रेशर कहां पर है, अभी बताया था हमने कि इसका सेंटर ऑफ प्रेशर प्रेशर डायग्राम के सेंटर पर होता है, तो प्रेशर डायग्राम ये है, इसका केंद्र कहां पर है भाई, रेक्टेंगल का सेंटर कहां होता है, तो सिमेट्रिक फिगर है, इसका बीचों बीच में होगा, तो ये यहां पर प्रेशर डायग्राम है, इसका मतलब टोटल प्रेशर जो है हमारा इसी जगह कार्य करेगा बिल्कुल मध्य में। तो ये हमारा वहां से भी निकल गया था, 1.25 आई थी यहां से दूरी, तो ये ऐसे बाईसिमेट्री वहीं पर कार्य कर रहा, तो इस पर कोई गणना की जरूरत नहीं, केवल डायरेक्ट आपको लिख देना है कि अगर ये प्रेशर डायग्राम हमारा समान है तो इसको सीधे सीधे लिख दिया जाएगा कि टोटल प्रेशर जो है या इसका सेंटर ऑफ प्रेशर कहां पर है, स्लूस गेट के मध्य में स्थित है, इसमें न्यूमेरिकल की मतलब कोई भी कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको इतना इस सिद्धांत को बताते हुए या ये फार्मूला लिखते हुए केवल बताना है कि गेट के सेंटर पर ही जो है इसका टोटल प्रेशर कार्य करेगा। तो ये हमारा इस चैप्टर में कंप्लीट हुआ, अभी एक पोर्शन एक वीडियो और इसी चैप्टर से रिलेटेड है, वो नेक्स्ट वीडियो में ही मैं डिस्कस करूँगा। थैंक यू।